बिजनौर जिले में दो सगे भाइयों की गोलियां बरसाकर की गई दर्दनाक हत्या। डबल मर्डर की वारदात से इलाके में फैली सनसनी। परिजनों ने हत्या का कारण बताया पुरानी रंजिश। तीन थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों तक थाना पुलिस सीमा को लेकर असमंजस में रही। कोतवाली देहात थाना किरतपुर और थाना शहर कोतवाली पुलिस मौके पर मौजूद रही। दरअसल ये पूरा मामला है बिजनौर जिले के कोतवाली देहात थाना इलाके के गांव बागपुर निवासी देवेंद्र सिंह के दो पुत्र शिवम 22 वर्षीय और आशीष 18 वर्षीय कल से लापता थे। आज दोनों भाइयों के शव गंगावाला गांव के जंगल में पड़े हुए मिले। अज्ञात हत्यारों ने दोनों की गोली मारकर हत्या की है। प्रथम दृष्टया हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस जल्द ही हत्या के खुलासे की बात कह रही है। छोटा वाला तो घर था, बड़ा घर नहीं था। बड़ा रहा कोई 5:30 बजे के बाद में बड़ा भी फ़ोन पर करके किसी ने बुलाया, उसको घर नहीं आया। फिर जब 9:10 बज गए 10 बजे ना हम फ़ोन करो गए, मैं फ़ोन का 9:30 बजे फ़ोन लगा था, इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर बाद में इनका फ़ोन बंद आने लगा जब हमने कल रिपोर्ट लिखवाई थी। आपको किसी को शक है? सेकेंड पे हो सकता हूँ, कितने और कहाँ के रहने वाले? अब क्या पुरानी रंजिश थी आपकी कोई इनसे? इनकी रहा है लड़कों, हमारे लड़के मरी में झगड़ा चल रहा है। किसके खेत में मिली है बॉडी आज? अंकित का ही था खेत पहले, अब बेच रखा है।